आगरा के समाज सेवी अतुल तिवारी के निर्देशन में जिले से 9वें निःशुल्क बस कैला देवी यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में 40 बसें शामिल हैं, जिनमें करीब 2500 यात्री कैला देवी के लिए माता के जयकारों के साथ रवाना हो गए। बस करौली पहुंचेगी और उसके बाद अगले दिन सभी श्रद्धालु कैला देवी माता के दर्शन करेंगे और शाम तक आगरा में वापस लौट आएंगे। समाज सेवी अतुल तिवारी द्वारा पिछले वर्ष करीब 28 बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार 40 बस व्यवस्था में लगाई गई हैं। इन बसों में करीब 2500 यात्री निःशुल्क रूप से कैला देवी के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा का शुभारंभ आगरा के अंजनी कुमार सिंह और DCP नगर विकास कुमार ने देवी माँ के ध्वजा को लहरा कर किया। विगत 9 वर्ष से पहली बार 9 बसों से व्यवस्था शुरू की गई थी। आज माँ भगवती कृपा से लगभग 40 बस से ऊपर हमारी करौली को प्रस्थान कर रही हैं, जिनमें से 37 पूरी भर चुकी हैं और बाकी सवारी अभी बहुत खड़ी हैं, तो 4 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 41 बसें इस पर हमारी जाने का तैयारी है और जिनके साथ भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी की जा रही है। और इतनी भीड़ है इस बार, लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बसें और ज़्यादा नहीं मंगानी पड़े, ऐसा एहसास हो रहा है। दुर्गेश तिवारी नाम है मेरा। ये हम लोग बसों की सेवा विगत 9-10 वर्ष से हमने शुरू करी थी और आज लगभग 40 से 41 बस हम लोग कैला देवी के दर्शन के लिए यात्रियों को भेज रहे हैं, जिसमें ADM सिटी साहब ने एवं ACB साहब ने आके फीता काटा है और उन्होंने बसों को रवाना किया है। और हमारे अतुल तिवारी और दिलीप, ये पूरा परिवार लगभग 5 दिन पहले पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं और अभी जब ये यात्री सब पहुंच जाएंगे, उनको सुचारू रूप से दर्शन कराने के बाद ही वो लोग वहाँ से वापस आएंगे। सभी यात्रियों के लिए खाने का पूरा व्यवस्था हम लोगों ने की है, पानी खाना सब, हर बस पे एक एक सुपरवाइज़र हम लोगों का जा रहा है जो कि पूरी देखभाल करेगा यात्रियों को। जिस सुविधा से ले जा रहे हैं उसी सुविधा से ला के हम यहीं पर उनको छुड़ाएंगे और हर साल ये हम करते चले आ रहे हैं। ये देवी माँ की कृपा है।